भैया आप शादी कब कर रहे हो? सबसे मेन टॉपिक शादी? सबसे पहले बड़े भैया क्योंकि उनसे अच्छा बड़े पूछना। भैया बताइए क्योंकि कि यूट्यूब से पहले आप किस चीज की कोई चीज की तैयारी करते थे? 12वीं पास हुए थे तो आर्मी की तैयारी करते अच्छा थे। अच्छा तो आर्मी की। ऐसा नहीं है, अभी भी मैं मैं आर्मी आर्मी की की नौकरी नौकरी करना चाहता हूँ और अभी भी भरा हूँ, अग्निवीर भी भरा हूँ, बीएसएफ भी डाला वाले रहता है। एक काम भी आपको सपोर्ट करते थे आर्मी कि को नहीं बुलाएंगे करते? नहीं सबके बार बुलाएंगे? यूट्यूब पे हुआ था, 1001 तो हो मैंने गया था बोला भाई, भाई अनसब्सक्राइब कर जल्दी, 1000। देख सकते हो जाओगे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कृष्णा भाई के घर। ये भाई जी जो हैं हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, इन्होंने हमको सहाबागंज से यहाँ तक लाने के लिए लाए। और ये देखो ये भाई बैठे हुए हैं, तो भाई साहब आ गया हमारे लिए, पानी वानी पीने के लिए भाई जी लाए हुए हैं। तो देख सकते हो अंकुर जी, पानी पीजिए आप। सो गाइस देख सकते हो आप लोग, इस समय हम पहुंच चुके हैं कृष्णा यूपी 44 नाम से चैनल है जो कि सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं। तो हम इस समय आ चुके हैं भाई से मिलने के लिए। भाई नंदमहर धाम से चलकर हम लोग आए हुए हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। तो भाई से आए हुए हैं तो भाई का थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए, आप शादी कब कर रहे हो? सबसे मेन टॉपिक शादी तो सबसे पहले बड़े भैया क्योंकि अच्छा बड़े भैया की होगी सबसे पहले। तो भैया जी आप बताइए, आप कब शादी कर रहे हो? टाइम आएगा तो शादी हो जाएगी भाई, हो जाएगी। हाँ चलो, अभी इसकी ज्यादा प्रॉब्लम है, खुद अच्छा, से जब कमाने की। लगे। हाँ, जब खुद पे बल पे जब खड़े हो जाएंगे, सही है, ताकि वो भी आए तो इन्हीं के बल पे रहे, घर वाले की ना कि घर के बल पे रहे। तो भैया लोग जो है इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये लोग भाई लोग कॉमेडी बनाते हैं। आप लोग का यदि जो भी नए हो अगर ना देखे हो तो जाकर कृष्णा यूपी 44 नाम से कॉमेडी चैनल का नाम है, तो आप लोग जाकर विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भाई को यार सपोर्ट कीजिए। अभी फ़िलहाल में इनका जल्द से जल्द 50 के कंप्लीट करवाइए यार भाई लोग। तो आप भैया कुछ कहना चाहेंगे अपने कॉमेडी चैनल के बारे में? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हमारी भी कॉमेडी देखिए अच्छी तरह से, और SP ब्लॉग भी देखिए अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से भाई हमारे मेहनत कर रहे हैं। भाई मेहनत तो करना ही पड़ता है ना, तो कुछ खोना पड़ेगा। तो आप भी मेहनत तो कर रहे हो, अभी यहाँ का लोकेशन लेते हो, वहाँ का लोकेशन, कई जगह का लोकेशन लेते हैं तब जाकर एक वीडियो कंप्लीट होता है। क्यों जी जाते हैं? बहरहाल आपका ब्लॉग अच्छा है, आपकी बोलने का ढंग, खुल की आवाज़ निकल रही है, मैं ये देखा बहुत अच्छा लगा आपकी ब्लॉग। और बाकी आजकल ब्लॉग वाले चैनल इतने हो चुके हैं कि बस ये सोचते हैं ब्लॉग बहुत जल्दी आसान हो गया, आसान बस फेमस बस हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, माय फर्स्ट ब्लॉग डालो और वायरल, तो सब इसी सोच में रहते हैं। मगर चैनल पे जो मेहनत करना पड़ता है ना, वो जो एक रियल आदमी असली मेहनत देखनी है भाई, तो SP ब्लॉग पे जाइए और मेहनत देखिए, बस यही कहेंगे। सही है। बाकी जो लोग ब्लॉग बनाते हैं उनका भी ब्लॉग देखा और SP ब्लॉग भी देखा मैंने, मेहनत देखा, ब्लॉग में भी मेहनत होती है और इनकी मेहनत मैंने देखा भाई। बाकी इनका वीडियो में इंटरेस्टिंग है, सीन भी दिखा रहे हैं अच्छी अच्छी की, और मैं इनसे ये भी कहूँगा आगरा भी जाके वहाँ का भी सीन दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द हम आगरा को कवर करने वाले हैं, तो बहुत जल्द ही जाएंगे आगरा और वहाँ का भी वीडियो शूट करेंगे। तो इनके आपके छोटे भाई हैं ना? हाँ। तो आइए इनसे, इनके छोटे भाई, ये मेरा छोटा भाई है, सबको तो चाहिए ना भी डांट के कहते, लेकिन इनको डांट डांट के कहते हैं ये करना है वो करना है। भाई भाई कहना पड़ेगा ना, छोटे भाई हैं तो बड़े का फर्ज बनता है छोटे को डांटना और बाकी कुछ तो भी। हाँ, तो कहीं वो सामान छूट गया, चश्मा छूट गया, ये डांट कैसे भूल गया, जा तुरंत लेके आ। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग इन्हीं को ऑर्डर करते हैं और सबसे ज्यादा छोटे हैं ना, सबसे छोटे हैं, सबसे ज्यादा ऑर्डर रहता है बड़े भैया का। अच्छा, अच्छा। वीडियो बनने लगती है तो सबका फोन सबसे पहले फ्लाइट मोड में रखो, किसी का फोन नहीं आना चाहिए यार, भैया तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, कोई सीन चल रहा है उसमें फोन आ गया तो डिस्टर्ब हो जाएगा, किसी तरीके से मान लो बन रहा है, धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, सबसे ज्यादा गुस्सा होते हैं भैया, डांटते हैं सबको, भाई होंगे ही ना। फ्लाइट मोड लगाओ, फोन स्विच ऑफ करो सब लोग अपना, तब वीडियो बनाओ, जो जैसा रोल हो तुरंत जल्दी जल्दी करो अपना स्क्रिप्ट, मतलब जो बता देते हैं जैसा जो स्क्रिप्ट रहता है बता देते हैं भैया, सबको समझा देती है ये करना है अपना, तो जैसा रोल बता। अच्छा ये भैया बताइए कि आप कितने भाई हों? हम दो भाई हैं, ये हमारे बड़े पापा के हैं, अच्छा, बगल में अच्छा, हैं अच्छा, अच्छा, और वो भी रवि भाई हैं, वो भी हमारे उनको भी बगल के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी एक दोस्त है मेरा, अच्छा मेन सहयोग केश कुमार भैया का रहता है बहुत टाइम, और हम सबका तो मान लो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन ये भैया इतना उम्रदार हो गए हैं तो बहुत ज्यादा ये सोच के रहता है कब मुझे मेहनत करनी है भाई, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। मान लो हमारा सबका ऐसे ही गुजर जाएगा भी 1-2 साल, लेकिन भैया का भैया का भाई देखना पड़ेगा ना, टाइम बीत के जा रहा है, भैया को शादी भी करना है और साथ साथ भाभी को भी लाना है। तो भैया आप अपनी शादी में हमको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे जरूर भाई। तो चलो ठीक है, भाई की यह शादी होगी तो भाई हम लोग आएंगे और ज्यादा ही बवाल मचाएंगे इनके शादी में, क्यों भैया?
सही है, मचाना पड़ेगा ना बवाल एकदम खुल के, नागिन डांस, नागिन डांस पूरा होगा जब तक मड़ी नहीं गिरेगी। तो आप ये बताइए कि आप YouTube कब से चालू किए, कितना समय लगा आपको ग्रोथ करने में? YouTube तो पहले हम 1 साल हो गया, आप यही पहले सबसे पहले शॉर्ट वीडियो बनाते थे। अच्छा अच्छा शॉर्ट वीडियो। तो सबसे पहला अगर मेरा किस्मत कहीं चमका तो फेसबुक था। फेसबुक पे मैंने ऐसा शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना, तो शॉर्ट वीडियो में ऐसा बस 5-6 वीडियो डाला था, एक सीधा गया 4000 व्यूज शॉर्ट वीडियो पर। इतनी खुशी मिली कि अब 1 मिलियन व्यूज जाता उतना खुशी नहीं मिलती, 5000 में मिली थी। उसका स्क्रीनशॉट करके अभी भी रखे हैं भाई। भाई स्टार्टिंग की ऐसी खुशी होती है कि आज हमारा वीडियो वायरल हो गया, इतना गया। अब उसके बाद फिर जितना व्यूज आने लगता है उतना कम ही लगता है। क्यों? सही है, जितना व्यूज सब्सक्राइब उतना कम ही लगता है। तो जब स्टार्टिंग में होना तो ऐसा खुशी लगा, स्क्रीनशॉट 100 फॉलोअर हुआ तो मैंने स्क्रीनशॉट रख किया, 200 फॉलोअर। जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हुआ था, 1001 हो गया था गलती से, तो मैंने बोला भाई अनसब्सक्राइब कर जल्दी, 1000 करेक्ट होना चाहिए। उसका भी सब्सक्राइब कर उसको रखा हूँ स्क्रीनशॉट करके, तब इतनी खुशी मिलती थी कि अब इतने सब्सक्राइबर हो रहे हैं, इतना पूरा हो रहा है। अब बाकी ऐसा लगता है सब्सक्राइबर नहीं, ये जबरदस्ती किसी सब्सक्राइबर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई जबरदस्ती सब्सक्राइब कराओगे तो देखता भी नहीं है, केवल आपकी नजर में वो सब्सक्राइब कर देगा, बाकी वीडियो आएगी तो उसको हटा देगा। असली चीज टैलेंट दिखा के करो, टैलेंट दिखाओ, खुद मजबूर हो जाएगा सब्सक्राइब करने में और आपका वीडियो देखने पर। बस मैं यही चाहता हूँ, और बाकी आज सबके प्यार और सपोर्ट से हमारी जनता जितने हैं ऑडियंस उनके सपोर्ट से 1,30,000 फॉलोअर मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे हुआ है, 1,00,000 होने वाला है पेज पे, बाकी 35,000 होने वाला YouTube पे। तो मैं अपने सारे ऑडियंस को और आपके भी सारे ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और SP ब्लॉग को भी सपोर्ट कीजिए भैया, बहुत जल्दी सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैंने ब्लॉग में इनका मेहनत देखा जी, बहुत जी, अच्छा जी। लगा बाकी। तो भैया ये बताइए कि YouTube से पहले आप किस चीज़ की कोई चीज़ की तैयारी करते थे? हाँ यार भैया करते थे, 12वीं पास हुए थे तो आर्मी की तैयारी करते थे। अच्छा, आर्मी की। तो ऐसा नहीं है, अभी भी वो जुनून है जुनून कि मैं आर्मी की नौकरी करना चाहता हूँ, और कर अभी भी भरा हूँ, अग्निवीर भी भरा हूँ, BSF भी डाला हूँ। अच्छा अच्छा, पर यार ना अब इतना ये हो गया कि इसमें टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता दौड़ने में, अपने चैनल में ही टाइम नहीं मिलता तो अग्निवीर कब देखोगे। हाँ ये चीज़, बाकी ऐसा नहीं, अब सोचते हैं मन करता है पढ़ने में, बाकी बस 12वीं तक पढ़े, BA कर रहे थे, फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर में गए, पेपर ही देने नहीं गए। अच्छा अच्छा, बाकी काला अच्छा भैंस बराबर है, वो भैया पढ़े हैं उनसे पूछो क्या क्या। भैया आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? मेरी पढ़ाई तो भैया अजीब कहानी है, थोड़ा बता दीजिए हमको भी अजीब कहानी। 2018 में BSc एग्रीकल्चर पास आउट KNIPSS सुल्तानपुर से हुई। अच्छा अच्छा जी। और फिर उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम आया तो उसका एग्जाम दिए, फिर उसके बाद तुरंत कोरोना लग गया 2 साल, तब से इसी में बैठे हैं, तब से नहीं सेल्फ पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ यूट्यूब पे काम भी करते हैं। अब बात सोच लो भाई यार, भाई बहुत ज्यादा ही करते हैं, पढ़ाई भी यूट्यूब को भी देख रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई को भी देख रहे हैं, सबकी बस की बात नहीं है दोनों देखना। अब भाई सोच लो यार कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भैया, और भैया का यार जल्द से जल्द 50K तो कम से कम करा ही दो, इससे कम तो बिल्कुल मत कराना। बाकी जो लोग यूट्यूब पे काम करेंगे पता होगा कैसे कैसे एक एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं, भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि ये जो जानकारी है एक यूट्यूबर को ही पता होती है। क्यों भाई? सही है भैया, कितना मेहनत पड़ती है, स्क्रिप्ट लिखो, एडिटिंग करो, कहाँ कैसे सीन रखना है, क्या लाना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारा मेहनत रहता है। हम देखते हैं कैसे करते हैं भैया, एडिट करते हैं, रहती है बहुत तकलीफ, पढ़ाई भी देखना रहता है, और आगे घर के परेशानी, अब मम्मी पापा जो हैं ये कुछ बोलेंगे या क्या कर रही हो, गांव से कितने सवाल उठते थे, बहुत सारी परेशानी आती थी भैया। अब आप गांव से बिलोंग करते हो तो क्योंकि खेती बाड़ी है और सभी काम देखना रहता है आपको, क्यों सब भाई? कुछ खेत बाड़ी, धान काटना, सींचना, खाद छींटना, इतनी सारी परेशानी रहती। बहरहाल सब ये यूपी और बिहार में असली मुद्दत ये रहता है, मेहनत करके जाते हैं भाई, ये नहीं है कि घर का सपोर्ट भी नहीं रहता, ऐसा घर का सपोर्ट ये रहता है नहीं, काम भी करो, ये भी करो, वो भी करो, घर वाले समझते नहीं है, असली मेहनत वही रहती है जो मुसीबतों में उठ के चलता है। सही है, तो वही मेहनत है, हम सबकी मेहनत कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। सही है, तो चलो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर, यदि हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर जो भी नए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करना भाई, और कमेंट करके बताना, और इनकी वीडियो हमारे भी जितने ऑडियंस हैं एक बार जरूर जाके देखना, बहुत अजीब चीज दिखाएंगे आप लोगों को, मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, बाय बाय बाय।